और कराची में जारी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे वनडे के दौरान मोहम्मद रिजवान का फैन हिफाजती बाड़ तोड़कर ग्राउंड में दाखिल हो गया। तो कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का दरमियान दूसरा वनडे जारी है। इस दौरान एक दिलचस्प लम्हा भी पेश आया। मोहम्मद रिजवान का फैन हिफाजती बाड़ तोड़कर ग्राउंड में दाखिल हो गया। बात करेंगे हुज़ैफ़ा खान से। हुज़ैफ़ा, इस फैन की मुलाकात हो पाई फिर क्या मोहम्मद रिजवान से? जी बिल्कुल, देखें जैसे कि दूसरा वनडे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी है, न्यूजीलैंड की बैटिंग के दौरान ये जोशीरा फैन जो है वो हिफाजती स्टैंड्स में जो बंद बने तो उसको तोड़ के ग्राउंड के अंदर दाखिल होता है और न सिर्फ ग्राउंड के अंदर बल्कि पिच तक आ जाता है और मोहम्मद रिजवान से गले लगता है। जब SSU के एहलकार इनको यहाँ से लेके जाते हैं, इब्तदाई तौर पर पता ही चला है कि इसका नाम जो है वो अवैस है। SSU के जो एहलकार उन्होंने इब्तदाई तफ्तीश की और उसके बाद अवैस को जो है वो ग्राउंड से ले जाया गया। जब अवैस से हमारी बात हुई और हमने सवाल किया तो उनका यही कहना था कि मैं मोहम्मद रिजवान को बहुत पसंद करता हूँ और उनके लिए मैंने एक कदम उठाया और मेरी अपील है कि मुझे छोड़ दिया जाए। जबकि साबिक खिलाड़ियों का कहना है कि दुनिया भर में ऐसे वाकयात होते हैं और हमें बच्चों पर मारना नहीं चाहिए बल्कि उनकी जो है वो टीच करके उनको छोड़ देना चाहिए। जी हुज़ैफ़ा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।